अपना टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं सारे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। ओके, अफ्टर देन एक्सरसाइज हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने के पीछे अपना टॉपिक क्या है वो ध्यान देंगे, ये टॉपिक कैसे यूज हुआ है। सेंटेंस था हमारा फर्स्ट, ही हैड एन आइडियल आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर मदर आसी अम्मा, ये हमारा सेंटेंस था। ओके, इस सेंटेंस में सपोज दैट फाइव अंडरलाइन मिलते हैं हमें, ही आइडियल एंड इन माय आसी अम्मा, ये हमें सपोज करो हेड को भी कर देता हूं मैं, ये हमें मिल जाते हैं कि हमें इनको बताना है ये कौन कौन सी चीजें हैं ये। ठीक है, ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग एवरी वर्ड को आपको नाम देना है, हर वर्ड को नाम देना है। भाई ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। और आसी अम्मा क्या है? नाउन। नाउन प्रोनाउन दो मिल गया हमें, ऐसे ही सभी को नाम देना है। क्लियर, सभी को ऐसे ही नाम करना है। तो आपने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग इनको नाम देने की कोशिश करें, ट्राई करें। ठीक है, पता नहीं कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दें। इधर देखिए, ही प्रोनाउन हैड वर्ब है, एन आर्टिकल है, आइडियल एडजेक्टिव है, इसको भी ले लेता हूं मैं, हेल्पमेट नाउन है, इन प्री पोजिशन है, माई ठीक है, मदर को भी ले तो ले सकते हैं आप। लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं किया है, देख लो आप, ऐसे सभी के आइडेंटिफिकेशन आपकी तरफ से होने चाहिए। टेक द सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए।
सेकंड सेंटेंस आई वॉच totally blind at that time. I was totally blind at that time. चलें अंडरलाइन देखिए आई वॉच टोटली ब्लाइंड एट फाइव हो गए, फाइव पॉइंट्स हो गए हैं. आपको इनके नाम देने होते हैं, एग्जाम में ऐसे होंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. इन पांचों के आपको नाम लिखने हैं. ये होगा आपका आंसर करना, ठीक है. चलिए आंसर करिए, जो भी आप सही गलत आपको जो अच्छा लगे आंसर कर लीजिए, फिर मैं इनको आपको नीचे लिख के बताता हूँ. सभी लोग जो भी कुछ करें आंसर करें जरूर, डेफिनेट. हो गया, चलते हैं. ध्यान दें आप सभी लोग अपना, अपने आंसर को चेक करें. आई प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन. नंबर टू वॉच वर्ब. नंबर थ्री टोटली एडवर्ब. एडवर्ब ब्लाइंड एडजेक्टिव एट प्रीपोजिशन. अपने आंसर्स को मैच करिए, कितने आपने सही किए हैं चेक करें. हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल लें.
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बार्बर ओ clapped his hands to his mouth. To his mouth. In terror. ठीक है, अंडरलाइन वर्ड ओ द बाबा क्लैप्ड टू हो गया. ये 5 पॉइंट्स आपको आंसर करने हैं. कैसे बैठे हैं आप भी करो, कुछ ना कुछ गलतियां करो. हो गया कुछ चले. लिखा सबने, आगे ध्यान दो. ओ इंटरजेक्शन. ओ क्या इंटरजेक्शन. द आर्टिकल बाबर नाउ क्लैप्ड वर्ब टू प्रीपोजिशन. हो गया, उतार लीजिए अपने पास से गलतियां करी हैं जो करी हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए इसका. नहीं, आपको इस टाइप से ढूंढनी है. टॉपिक हमारा यही कहता है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, क्या है देखिए. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इन
डेमोक्रेटिक कंट्रीज मैन आर इक्वल बिफोर इक्वल बिफोर लॉ मैन आर इक्वल बिफोर लॉ बिफोर द लॉ बिफोर द लॉ ठीक है. नेम द टोटल आइटम्स, सभी को नाम देना है. इस एग्जांपल में कौन सा नंबर है ये भैया? फोर्थ में टोटल को नेम देना है. नेम ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस. पहले आपको मैं टाइम देता हूँ कि कुछ तो इसमें से लिखने की कोशिश करें, ये मुझे आता है. अदरवाइज मैं आंसर करूँगा, उसमें आप चेक करेंगे अपने आप को. अमन बहुत देर से चुपचाप बैठे हो. अमन अलका कुछ नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हैं? आंसर करने के लिए कहा आपको. एंड यू आर टॉकिंग ओनली नथिंग डूइंग. अमन मस्त बैठे हैं विदाउट एनी वर्क. आ बेटे, आपको ऐसे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ करने के लिए टीचर ने कहा भी है. एंड वेयर इज साहिल चौधरी? साहिल कहाँ छुपे हुए हो? साहिल नाउ आई नहीं. बेटे कहाँ रहते हो आप? ये फिक्स फोटो लगा के बैठा है. साहिल आई एम टॉकिंग टू यू. ज़्यादा स्टडी कर ली क्या हमने जो उसको कम कर रहे हो? तो फिर स्मार्ट बॉय पढ़ता नहीं है ना. आगे कौन है? ये महक यादव कहाँ छुपा हुआ है? आशीष भूमिका अभी छुपी हुई है ना. चलिए अभी मैं आंसर कर रहा हूं इनको. टोटल क्लास अपने स्क्रीन पे आ जाइए, आंसर कर रहा हूं. सभी लोग आ जाइए अपने स्क्रीन पे. चलिए मैं जब तक आंसर करूं तब तक सामने आ जाएगी पूरी क्लास, ठीक है? कि पता नहीं चल रहा है आप स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. मैक कहाँ छुपा हुआ है? मैक मैसेज लिखती है ना, और स्टडी नहीं करनी है. मुस्कान भी बैठा है चुपचाप. चलिए यहाँ पे आ जाइए अब, ठीक है? बाद में बात करेंगे और लोगों से. ध्यान दें, इन प्री पोजिशन, वेरी गुड.
डेमोक्रेटिक, देखो कंट्री नाउन है तो कंट्री कैसा, डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक क्या हो गया, हाँ डेमोक्रेटिक वर्ड क्वालिफाइज द कंट्री, नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कंट्री नाउन, मैन, मैन ऑल्सो नाउन, मैन इज ऑल्सो नाउन, अभी आपसे पूछेंगे धीरे धीरे, मैन इज ऑल्सो नाउन, आर वर्ब, इक्वल इक्वल एडजेक्टिव, बिफोर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल एंड लॉ, कानून नाउन, ओके नाउ इफ समवन आस्क यू, इफ समवन आस्क यू कंट्रीज कैसा नाउन है, द टाइप ऑफ कंट्रीज, इन कंट्रीज टाइप ऑफ नाउन बताना है आपको, कंट्रीज को टाइप ऑफ नाउन बताना है, कौन सा नाउन है आपका कंट्रीज, वेरी गुड, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, गुड, आफ्टर देन मैन, मैन कैसा नाउन है, ऑल्सो कॉमन नाउन, वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है चलते हैं आगे, अभी धीरे धीरे आपको कुछ लिखना आया है, ट्राई पे रहें सभी, लिख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, द पोस्टमास्टर वॉज डम्ब फाउंडेड, द पोस्टमास्टर वॉज डम्ब फाउंडेड, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, द आर्टिकल है पोस्टमास्टर, किस किस को किया है डंबफाउंडेड, देखो इसके अंडरलाइन क्या है, वॉज डंबफाउंडेड, ओके ऐसे अलग अलग आंसर करेंगे आप, कितने आंसर हो जाएंगे आप सबके, अभिया अलग अलग आंसर करोगे कितने आंसर हो जाएंगे, अपने पास आंसर कर लीजिए, मैं कह रहा हूं
अपने पास कर लीजिए आंसर को, आफ्टर देन आंसर सामने आते हैं तो चेक कर लेंगे कितने हो गए सही में, ठीक है। अदरवाइज ऐसा करते हो तो मैं पूछता हूँ, बताइए, पर्टिकुलर बोलता हूँ नाम के साथ में, वही बोलेगा, है ना। लाइक अलका, यू फर्स्ट, डंबफाउंडेड को आंसर करिए, डंबफाउंडेड को आंसर करिए, कोई भी कर सकता है, डंबफाउंडेड इसको आंसर करिए सभी लोग, कौन बताना चाहेगा। राइट आंसर, राइट आंसर एडजेक्टिव। ओके, चलते हैं आगे। अब जाके आपको टॉपिक का आइडिया हुआ है कि हमारा टॉपिक क्या है और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये अब जाकर के आपको पता लगा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, मूर्ख वाले काम मत कर बेटे। ध्यान दें, अलाश, हर, शन, ओनली, इन फोर को कर दीजिए आप तो बस, है ना। अलास को क्या नाम दिया है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, हर, प्रोनाउन, ओनली, शन। आगे अगर और देखो तो हैज, हैज डाइड, हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।